नमस्कार दोस्तों, पंकज जोशी मेवाड़ी बना यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको लेकर के आ गया हूँ अहमदाबाद के विंजोल एरिया में, जो धनपालेश्वर महादेव का जो मंदिर है, बड़ा ही फेमस मंदिर है, और वहाँ पर मैं आपको लेकर के आ गया हूँ। उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों। अभी जो आप ये रास्ता जो देख रहे हैं दोस्तों, वो है विंजोल गांव की तरफ जाने वाला रास्ता, और जो हाथीजन सर्कल है वहाँ से विंजोल गांव की तरफ जो रास्ता आता है, उस रास्ते पर ये जो मंदिर है दोस्तों स्थित है। तो आइए इस मंदिर की पूरी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों है मंदिर का बहुत ही विशाल परिसर। शायद ही आपको किसी मंदिर में इतना बड़ा विशाल परिसर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही विशाल मंदिर है। परिसर, पार्किंग वगैरह सबकी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही पुराना मंदिर है स्वयंभू धनपालेश्वर महादेव मंदिर का। आइए अभी आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं। और ये बाहर का परिसर था, और अभी मंदिर के अंदर का परिसर जो है, एरिया जो है, वो काफी विशाल है। उसको भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर काफी सारी भोजनशाला की भी व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्था की हुई है। तो आइए और देखते जाइए, दर्शन करिए धनपालेश्वर महादेव मंदिर विंजोल। तो दोस्तों ये देखिए मंदिर का अंदर वाला विशाल परिसर, और ये लेफ्ट साइड पर आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो यहाँ की धर्मशाला या भोजनशाला है। और ये जो है वो दोस्तों मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, और बीच में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है जहाँ जिसकी पूजा की जाती है दोस्तों। पास में ही दोस्तों ये विशाल हॉल और भोजनशाला बनाई हुई है, जहाँ पर भक्त जितने भी आते हैं, और जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पर भोजन और इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मंदिर का विशाल परिसर, और इतना शांत वातावरण है दोस्तों यहाँ पर कि एक बार अगर आप आते हैं तो आपको मन को सुकून मिलता है। तो देखते जाइए दोस्तों इस वीडियो में इस मंदिर की विशालता, चारों तरफ कलाकृतियों से भरपूर इस मंदिर को देखने का आनंद ही कुछ और है। तो आइए दोस्तों अभी मैं आपको इस मंदिर का 360 डिग्री व्यू, इस पूरे एरिया का 360 डिग्री व्यू जो है वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको चारों तरफ से आइडिया आ जाएगा कि मंदिर कितना भव्य है, कितना विशाल है, कितना आलीशान है। हर हर महादेव। तो ये देखते जाइए दोस्तों मंदिर का विशाल परिसर, मंदिर के अंदर भी जाकर हम दर्शन करेंगे। तो आइए दोस्तों अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, और मंदिर के अंदर भगवान के आपको स्वयंभू धनपालेश्वर महादेव के दर्शन करवाता हूँ। तो मंदिर जो है बहुत ही शांत वातावरण में बना हुआ है दोस्तों, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कलाकृति से बहुत ही बढ़िया गुंबद बनाया हुआ है, और जिसकी रौनक जो है वो दोस्तों देखते ही बनती है। जैसे कि हर एक महादेव के मंदिर में नंदी का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो इस मंदिर में भी है। यहाँ पर भी नंदी की प्रतिमा जो है वो महादेव जी के सामने लगाई हुई है, महादेव जी के सामने रखी हुई है। और ये है दोस्तों मंदिर का मुख्य गर्भगृह, जहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। मंदिर के बाहर की ओर दोस्तों जो है वो हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, और पास में ही कार्तिक स्वामी जी, काल भैरव और गणेश भगवान की मूर्तियां भी जो है वो सुशोभित हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों मंदिर का पूरा यहाँ का माहौल है, काफी अच्छा मंदिर है। अगर आप भी दर्शन करने आते हैं तो जरूर से आइए।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखना। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अंदर वाले भाग से अगर दोस्तों इस मंदिर को देखते हैं तो अंदर वाला भाग से भी मंदिर का पूरा व्यू जो है वो बहुत ही शानदार दिखाई देता है, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी आपको मंदिर के गर्भगृह के अंदर लेकर के चलते हैं और दर्शन करवाते हैं स्वयंभू महादेव धनपालेश्वर महादेव विंजोल के। तो आइए दोस्तों आपको अभी मुख्य मंदिर में धनपालेश्वर मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तो ये दोस्तों मुख्य मंदिर में धनपालेश्वर महादेव की प्रतिमा है जिस पर जलाभिषेक किया जा रहा है, फूलों का अभिषेक किया जा रहा है और बहुत ही शांत वातावरण में भगवान की प्रतिमा पर, भगवान की मूर्ति पर जो है वो जल चढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ही आनंद और सुख की अनुभूति देने वाला ये स्वरूप है दोस्तों धनपालेश्वर महादेव मंदिर का। तो देखते जाइए दोस्तों, दर्शन करते जाइए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखिए और ये देखिए जीवंत प्रतिमा, जीवंत मूर्ति जो है वो भगवान की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हर हर महादेव धनपालेश्वर महादेव विंजोल। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना ताकि आपको नए नए वीडियो जो है वो इस तरह से रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।